अब मैं चाहता हूँ अनलॉक करने पे चारों दरवाजे खोलें, ये दोनों दरवाजे, चारों दरवाजे अब ओपन हो जाएंगे एक ही बटन। जब आप इंजन स्टार्ट ऑफ बटन दबाओगे ये लाइट ब्लिंक करेगी और गाड़ी आवाज़ करेगी। हेलो गाइज एंड वेलकम, आज हम बात करेंगे ब्रेजा की MID के बारे में, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। इससे हम इस MID से हम बहुत सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, लाइट होगी और डोर सेटिंग होगी, ये सब हम MID से ही चेंज कर सकते हैं इनकी सेटिंग्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं, गाड़ी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इंजन स्टार्ट शॉप से। ऐसी कुछ इसकी MID है, यहाँ पे हमें फ्यूल पता चलता है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे टोटल किलोमीटर, यहाँ ट्रिप किलोमीटर, यहाँ टाइमिंग, ऐसी कुछ है। आज हम इसके हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट सेटिंग आती है इसकी ब्राइटनेस की, जैसे हम रात को अंधेरे में ड्राइव कर रहे होते हैं, जो इसके जो MID की जो लाइट है ये इस तरफ, ये हमारी आंखों पे अगर चुभती है तो इसकी ब्राइटनेस कैसे कम करे, तो इसके लिए यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, ये इसको हमें लेफ्ट हैंड तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। ये देखिए यहाँ पे आ गया है याला, इससे धीरे धीरे करके ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर आप इसको राइट एंड क्लॉकवाइज करते रहोगे तो इसकी ब्राइटनेस हो जाएगी। ये थी इसकी पहली सेटिंग। अब हम बात करेंगे इसकी डोर सेटिंग के बारे में, जो ये राइट वाला नॉब है ये वाला, इसे हमें प्रेस करके रखना है ऐसे कुछ 5 to 6 सेकेंड्स तक, ये आ गया डोर। अब हमें इस पर एक बार क्लिक कर देना है, अब ये आ गया D1। अगर हम D1 पे एक बार और करते हैं, D1 का सब पार्ट है SL1। इसमें ये है, जैसे हम की फॉब या रिक्वेस्ट सेंसर से एक बार अनलॉक करते हैं तो चारों दरवाजे अनलॉक होने चाहिए, तो ये उसके लिए है। तो मैं इसको और कर देता हूँ सक्सेस। जैसे अब मैं एक बार अनलॉक करूँगा तो मेरे सारे दरवाजे, चारों दरवाजे हैं ये अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें इसको राइट वाले नॉब को क्लॉकवाइज घुमाना है। अब ये आ गया D2। D2 में ये है, जैसे कार हमारी 20 की स्पीड से ऊपर जाते ही एक गाड़ी अपने आप दरवाज़ों को ऑटोमेटिकली लॉक कर देती है, ये उसकी सेटिंग है, वैसे हमें इसे छेड़ना नहीं है। अब हम चलते हैं D3 पे, इसको फिर से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ये आ गया D3। D3 में ये है, जैसे हमें जहाँ पे जाना था और हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो जैसे ही हम याला इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दबाएंगे, दबाते ही हम चाहते हैं कि चारों दरवाजे अनलॉक हो जाएं, कि जैसे हमें अलग से दरवाजे खोलने ना पड़े, तो ये उसके लिए। तो मैं इसको भी सक्सेस कर देता हूँ। जो ये SL1 है ये इसके लिए, जैसे हम इस फीचर को नहीं चाहते, तो मैं तो चाहता हूँ, तो मैं SL3 पे जाऊंगा, इसके कर दूंगा सक्सेस, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसे फिर से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। D5 पे अब हम क्लिक करते हैं एक बार राइट से ही, तो SL1 में ये है, जैसे जब हम कार को लॉक और अनलॉक करते हैं, जो साइरन बजता है, मतलब जो टिक टिक की आवाज़ आती है, ये उसे ऑन करने के लिए है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आए आवाज़, और इसे तो सक्सेस करा हुआ है मैंने। अब जैसे अब SL2 पे आएगा, तो ये उसके लिए कि हम नहीं चाहते कि जब भी हम इसको गाड़ी को ऑन या लॉक या अनलॉक करें तो ये जो आवाज़ आती है टिक टिक, ये आए, ताकि लोग और परेशान ना हो इसकी वजह से, इस वजह से इस साइरन को बंद करने के लिए ये SL2। बस डोर के इतने ही फंक्शंस थे। चलो अब हम बैक हो जाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ये बैक का ऑप्शन आया, इस पे दबा दो, फिर एंटी क्लॉक, फिर बैक, ये एंड। अब हम आते हैं लाइट फंक्शन पे, राइट वाले नॉब को प्रेस करके रखते हैं 5 to 6 सेकेंड्स तक,
इसको राइट वाले नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यागी लाइट, इस पे एक बार प्रेस। L1 में ये है जो अगर हम दरवाज़ा कोई सा भी खोलते हैं, यहाँ पे जो नीचे लाइट जलती है येलो कलर की फुट लाइट, ये उसे ऑन और ऑफ करने के लिए है। हमें L1 को भी नहीं छेड़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, L2 पे। L2 पे एक बार क्लिक कर देते हैं राइट वाले नॉब से। SL1, L2 SL1 में ये है, जैसे हम एक बार ऐसे देते हैं इंडिकेटर, तो ये जैसे मैंने हल्का सा करा, ये 3 बार ब्लिंक करके अपना बंद हो जाता है। जैसे ये हेल्प करता है, जैसे हमें कहीं लेन चेंज करनी है हाईवे पे, तो ये इसके लिए काम है। जैसे मैं इसको हल्का सा करूँगा, ये 3 बार ब्लिंक करेगा, तो L1 उसको ऑन करने के लिए कि आप चाहते हो कि हाँ ये वर्क करे वाला फीचर। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये फीचर ऑन ही रहे। SL2 में ये कि हम अगर नहीं चाहते कि ये फीचर ऑन हो, तो हम इसको SL2 से करके बंद कर सकते हैं। चलो अब बैक हो जाते हैं। लाइट के बस यही फंक्शन थे। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी फंक्शन के बारे में। फिर से राइट नॉब को 5 to 6 सेकंड्स के लिए दबा के इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। लाइट सिक्योरिटी, इस पे एक बार क्लिक। ये आ गया S2। S2 पे हम एक बार क्लिक करेंगे SL1। SL1 ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है वो ऑन रहे। जैसे हमारी गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी करे या कुछ भी हो, तो गाड़ी अपना सायरन बजाना स्टार्ट कर दे, ये इसको ऑन करने के लिए। अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो SL2 पे क्लिक कर सकते हैं और इसको दबा सकते हैं। चलो बैक हो जाते हैं। अब इसको हम राइट एंड क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। SL3, SL3 पे जब हम एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें 1 to लेकर 15 तक नंबर आते हैं। जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। ये इसलिए जैसे अगर आप जैसे जब 0 पे होगा, मतलब जब 1 या 2 पे होगा, अगर कोई तेज भी मारेगा गाड़ी पे, तेज मारेगा तो तब जाके सायरन बजेगा। अगर आप चाहते हो कोई हल्का सा टैप करते ही ये सायरन बजाना स्टार्ट कर दे, मतलब कोई ऐसे भी करेगा तभी बज जाएगा सायरन। इसकी सेंसिटिविटी के लिए है ये। तो मैं इसको फुल ही करके रखूँगा ताकि कोई हल्का सा भी टच करे गाड़ी अपना सायरन बजाना स्टार्ट कर दे। 13 14 15, ओके सक्सेस। अब हम इसको फिर से राइट एंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। SL4, अब SL4 में भी 1 से लेकर 15 तक नंबर आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये इसलिए जैसे ये वो तो S3 तो हो गया सेंसिटिविटी के लिए। अब ये इसके लिए जैसे कि जब कोई इसको छेड़खानी करे तो इसकी आवाज़ कितनी तेज आनी चाहिए और कितनी देर तक बजनी चाहिए, ये इसके लिए। तो मैं भी इसको फुल ही कर देता हूँ 15 तक। ये भी 11 12 13 14 15, सक्सेस। बस अब इसके ये फीचर थे। अब बैक हो जाते हैं। अब हम डोर हो चुका है। डोर फंक्शन मैंने बता दिए, लाइट फंक्शन बता दिए, सिक्योरिटी फंक्शन। अगर आप इस राइट वाले नॉब को क्लॉकवाइज एक बार और घुमाते हो, यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जैसी गाड़ी आपने कंपनी से ली थी, तो अब उसकी इसकी सेटिंग वैसी ही हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम फिर से बैक हो जाते हैं बस। एंड अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने जो जितनी भी सेटिंग करी थी, तो अब उनको मैं करके दिखाता हूँ क्या क्या उनका हुआ है। अब मैं गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूँगा, तो इसके सिर्फ ड्राइवर साइड और को पैसेंजर डोर नहीं खुलेगा, अब इसके रियर सीट वाले डोर भी खुलेंगे, मतलब चारों दरवाजे अब खुल जाएंगे। अब कोई सभी एक बार बटन दबाने से चारों खुल जाएंगे।
अगर जब गाड़ी लॉक हो और अब हमारी एब्सेंस में कोई गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी करेगा, तो जैसे अगर कोई इतना भी मारेगा ये आवाज़ करने लग जाएगी। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे अगर हम गाड़ी को लॉक करते अनलॉक करते थे तो ये सिर्फ दो बार आवाज़ करती थी टिक टिक, तो अब ये चार बार करेगी, नोटिस करना। ये जैसे आप दरवाज़ा खोलोगे इनिशन को दबाओगे, ये देखिए लाइट ब्लिंक करेगी और गाड़ी आवाज़ करेगी कि अब ये बताएगी कि आपके एब्सेंस में गाड़ी के साथ मिस हैपनिंग हुई है या सिक्योरिटी जो सेंसर था वो बजा है, कुछ मिस हैपनिंग हुई है, इतना ये आपको बताएगी गाड़ी, या आपकी गाड़ी को किसी ने चोरी करने की कोशिश करी है, सिक्योरिटी सेंसर बजा है, ये थे। वीडियो को लाइक करना और वीडियो कैसी लगी हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।